लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। आज से देश भर में अनलॉक 1.0 की शुरुआत, जानिए कब से क्या क्या खुलेगा। पूरे देश में लागू हुआ एक देश एक राशन कार्ड, इतने में मिलेंगे चावल और गेहूं। महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, इतना महंगा हुआ गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर। केरोसिन की कीमत में कटौती, इस राज्य में नहीं मिलता केरोसिन। आज से चलेंगी 230 ट्रेनें, यात्रा से पहले जान ले रेलवे के ये नियम। आज से इन राज्यों में महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, आपको चुकानी होगी इतनी कीमत। फिर बारिश के आसार, देश में ज्यादातर हिस्सों में सुहाना रहेगा मौसम। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 1,90,535 के पार पहुंच चुका है और 5,394 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 91,819 ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 3,71,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 61,52,160 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो यह आंकड़ा और बढ़ गया हो। आज से देश के गरीब तक राहत पहुंचाने के लिए एक देश एक राशन कार्ड लागू हो गया है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल 3 रुपए किलो के दर से और गेहूं 2 रुपए किलो के दर से मिलेगा। आज से बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आज से 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 11.50 रुपए महंगा हो गया है। इसके बाद इसकी कीमत 593 रुपए हो गई है। तेल कंपनियों ने केरोसिन की कीमतों में कटौती की है। मालूम हो कि दिल्ली केरोसिन फ्री सिटी घोषित है, इसलिए दिल्ली में केरोसिन की कीमतें जारी नहीं होती। कोलकाता में आज से 1 लीटर केरोसिन की कीमत 12.12 रुपए घटकर 15.73 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 27.85 रुपए प्रति लीटर थी। लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे 1 जून से 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने जा रहा है, जो नॉन एसी होंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि भी की थी। इन ट्रेनों के साथ पहले से संचालित हो रही 30 ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा। आज से विमान ईंधन एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में ATF का दाम 11,030.62 रुपए प्रति किलोलीटर बढ़कर 33,575.37 रुपए प्रति किलोलीटर हो गया है। अनलॉक 1.0 का आगाज होते ही आज से कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। आज से महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और मिजोरम सरकार ने तेल पर वैट बढ़ा दिया है, जिसके बाद यहां रेट्स में इजाफा हो गया है। अन्य राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बदली है। लॉकडाउन 4.0 खत्म हो चुका है और सरकार लॉकडाउन 5.0 के साथ अनलॉक 1.0 की भी शुरुआत की है। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, स्वास्थ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स को 8 जून से खोलने की अनुमति मिल गई है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग और कोचिंग संस्थानों के खोले जाने पर फैसला। देश भर में फिलहाल मौसम खराब रहने की उम्मीद है। देशवासियों को मौसम में सुधार की जरूरत थी, जहां 26 मई से मौसम ने फिर एक बार करवट ली और देश भर में कई जगहों पर बारिश व ओलावृष्टि की भी खबर सामने आई है। अब देश मौसम विभाग ने कई जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में भारत और अमेरिका के बीच संबंध ज्यादा मजबूत हुए हैं, इसलिए चीन ने भारत को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वो अमेरिका चीन के बीच चल रहे कोल्ड वॉर से दूर रहे। चीन ने भारत को सलाह देते हुए लिखा कि अच्छा होगा अगर भारत अमेरिका चीन के मामलों से दूर रहे, नहीं तो इसके आर्थिक परिणाम बेहद खराब होंगे। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद से अमेरिका मिनियापोलिस में स्थित एक हाईवे पर धरना प्रदर्शन हो रहा था। तभी एक टैंकर ट्रक प्रदर्शन कर रहे हजारों लोगों के बीच में तेजी से घुस गया। उसके बाद हाईवे पर मौजूद प्रदर्शनकारियों के बीच जो हड़कंप मचा वो बेहद डरावना था। लोगों को ऐसे लग रहा था कि ट्रक से लोग कुचले जाएंगे।
अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इंजीनियरों ने कोविड 19 मरीजों के इलाज के लिए विशेष वेंटिलेटर विकसित किया है, जिसका आसानी से निर्माण किया जा सकता है। नासा ने इसे वाइटल नाम दिया है, जो उच्च दबाव वाला है। यूपी रोडवेज ने 1 जून से प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर बस संचालन की तैयारी की है। इस संबंध में रोडवेज मुख्यालय ने प्रयागराज परिक्षेत्र क्षेत्र समेत प्रदेश के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि वह अपनी सभी बसों को 30 मई तक फिट कर दे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ को नाकाम किया है। 3 पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, इसकी भनक लगते ही मुस्तैद जवानों ने कार्रवाई शुरू की। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख के विवादित क्षेत्रों में चल रहे विवाद के बीच भारत और चीन की सेनाएं सैन्य अड्डों पर भारी उपकरण और तोप व युद्धक वाहनों समेत हथियार प्रणालियों को पहुंचा रहे हैं। चीनी सेना धीरे धीरे अपने ठिकानों पर अपने तोपखानों की तोपों, पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों और भारी सैन्य उपकरणों के साथ पहुँच रही है। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबर हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर करें। साथ ही आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।